इन घरेलू नुस्खों से दूर करें बिकनी लाइन का कालापन। इस चैनल में हम आपको दिखाते हैं बहुत सारी रोचक जानकारी जो जुड़ी होती है आपके स्वास्थ्य से, कुछ चमत्कारी उपाय, कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे। तो दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। क्लिक कीजिए बेल आइकन पर, जिससे कि आपको इसी तरह के रोचक वीडियोस के लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे। आइए जानते हैं कि अगर आप भी टू पीस बिकनी में स्विमिंग करना पसंद करती हैं, लेकिन बिकनी लाइन के कालेपन की वजह से ऐसा नहीं कर पा रही हैं, तो परेशान ना हो, क्योंकि आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसे ही घरेलू नुस्खे जिससे आप आसानी से बिकनी लाइन के कालेपन को दूर कर सकती हैं। इस बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहला जो नुस्खा है वो है बादाम के तेल, नींबू का रस और शहद से बना हुआ। इसके लिए आपको सबसे पहले बादाम का तेल लेना है और उसमें आपको 3 चम्मच दूध, 1 चम्मच शहद और नींबू का रस आधा चम्मच मिलाना है। इस पेस्ट में बादाम के तेल का 1 बड़ा चम्मच डालना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे आपको वहां लगाना है जहां पर आपकी त्वचा काली पड़ गई है। दोस्तों, इसको लगाकर आपको 15 मिनट तक मसाज करनी है। उसके बाद ठंडे पानी से या फिर गुनगुने पानी से आप इसे साफ कर दीजिए। इसका इस्तेमाल आपको कम से कम महीने में 2 बार करना है। इससे आपके चेहरे का और जहां जहां आपको स्किन टैन हुई है वो सभी जगह साफ हो जाएंगी और वहां की रंगत निखर जाएगी। दोस्तों, दूसरा तरीका है टमाटर। शरीर के अंदरूनी हिस्से अनदेखी करने के कारण बाकी की तुलना में गहरे रंग के होते हैं, इसीलिए उन पर टमाटर को रगड़ने से त्वचा का कालापन दूर होता है। टमाटर में एसिड, टैनिंग और एंटीऑक्साइड्स होते हैं जो कालेपन से छुटकारा दिलाते हैं। टमाटर के गूदे को दही के साथ मिलाइए और इसे एक बेहतर ब्लीचिंग पैक की तरह इस्तेमाल कीजिए। ये उत्पाद मिलाकर त्वचा को एक्सफोलिएट करते हैं तो आपकी त्वचा के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। इसके बाद जो नुस्खा है दोस्तों, वो है पपीता। पपीते में मौजूद एंजाइम त्वचा की रंगत को हल्का करते हैं और दाग धब्बे को दूर करते हैं। इस पैक को बनाने के लिए आपको पपीता और शहद की जरूरत है। शहद त्वचा में नमी प्रदान करता है और उसे मुलायम बनाता है। पके हुए पपीते को शहद में मिलाकर बिकनी लाइन पर लगाएं। 20 मिनट बाद धो लें। आप इसमें दूध व मलाई भी मिला सकते हैं। अगर दूध या मलाई का प्रयोग कर रहे हैं तो गुनगुने पानी से साफ करें। इसके बाद आप देखेंगे जहां जहां बिकनी लाइन काली हो गई है वो धीरे धीरे साफ होने लग जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे ये घरेलू नुस्खे पसंद आए हों तो इन्हें लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, जुड़े रहिए संजीवनी बूटी फॉर लॉन्ग लाइफ के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। क्लिक कीजिए बेल आइकन पर, जिससे कि आपको इसी तरह के रोचक वीडियोस के लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे।